हेलो, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द ट्रिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, राइट? बिकॉज मेनी ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम एंड यू आर सेइंग दैट इट इज टेकिंग मोर टाइम, सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व। आई हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी वुड बी सॉल्विंग देम, एंड लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व देम फास्टली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ओके, सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, we have here minus 3 plus x or 8x plus 2, and this is your 14 by 3 plus 2x. So now what we are seeing in these options, that we have 4 in every option. Okay, we have 4 in every option. So what we would be doing, we would be simply placing 4. ठीक है, हम क्या करेंगे, 4 उठा के बस इसमें रख देंगे और हम ये देखेंगे कि देखो सब में जो था हमारे पास जो सब में था ये 4 हमारा हर में हर किसी में प्रेजेंट है, और जो हमारे ऑप्शंस है उसमें इक्वल टू है या ज्यादा से ज्यादा नॉट इक्वल टू है ना। तो अब उसमें हम क्या करेंगे कि अब हम वैल्यूज एक बार रख के देख लेते हैं क्या आता है, फिर उस हिसाब से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले 8 इंटू 4 बाय 3 प्लस 2, ठीक है ना। अब हमारा ये कितना आएगा, 4 8 आएगा हमारा 32 अपॉन 3, ठीक है ना। 32 अपॉन 3, अगर मैं चलो 32 अपॉन 3 प्लस 6 कर लेता हूँ कितना हो जाएगा, 38 अपॉन 3 यहाँ पे आया है ना, हमारे ये साइन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 बाय 3, और इस जगह हम 4 पुट करेंगे, क्या होगा 14 बाय 3 प्लस 8, ठीक है, कितना होगा 38 जा 24 प्लस 14, है ना यार, हमारा 38 अपॉन 3। इसका मतलब ये दोनों 4 पुट करने पे बराबर आ रहे हैं, 4 पुट करने पे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू वाला साइन चलेगा, यहाँ पे ये इक्वल टू वाला साइन चलेगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसके पहले वाली वैल्यूज क्या होंगी इसके लिए, है ना। इसके पहले वाली जो वैल्यूज है अब उस पे आते हैं, ठीक है ना, कि वो वैल्यूज कैसे है? एक हमने देख लिया कि भैया इक्वल टू 4 आ रहा है, तो ये हमको पता पड़ गया। अब हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना, हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे है देखो माइनस 3 हर किसी में, माइनस 3 एक बार इसमें और इधर वाले में पुट करके देख रहे थे कितना होगा, माइनस 3 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 6, है ना, लेस देन इक्वल टू यहाँ पुट करते हैं कितना आएगा, 3 और 3 कट जाएगा, माइनस 8 प्लस 2 आ रहा है भैया, है ना, ये भी माइनस 6 आ रहा है, मतलब इक्वल टू का साइन चलेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमको चूज करना है जिसमें दोनों इक्वल टू हो, और वो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास यहाँ काफी क्वेश्चन है ना, क्या करना है ऑप्शन से प्लेस करके हम देखेंगे कि कैसे हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है ना, ये आपके उसमें है बुक का ही क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, माइनस 1 3 प्लस 4x और 23, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ऑप्शंस हमारे पास लगभग हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू करके, ऑप्शंस ऐसे ही हैं, वैल्यूज वही हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू उठाते हैं 5 और पुट करके देखते हैं, ठीक है। क्या होगा, 3 प्लस 4 5 से हो जाएगा 20, 23 इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब 5 में इक्वल टू आएगा, है ना। बाकी दो ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी खत्म। अब हम पुट करके देखते हैं क्या, माइनस 1, ठीक है, तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 दिस इज माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, इस क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ही पक्का होगा,
ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो आगे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देखो, अब सबसे पहले हमको थोड़ा सा नंबर्स के बीच में हम कंफर्टेबल हो। ये क्या है हमारा 3 1/3। जैसे अगर मैं देखूंगा इसको, मैं ऐसे 3 1/3 नहीं देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ 3 + 1/3 लिखा हुआ है। ये 3 1/3 क्या है? 3 + 1/3। तो जब अगर मेरे को ये दिखने लग गया तो मेरे को ये लिख के भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये दिख जाएगा कि यहाँ पे जो 3 है ना, इसमें ये इक्वल टू वाले ऑप्शन हो गए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, है ना, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इक्वल टू वाले ऑप्शन होंगे। अब रही बात, एक -3 चेक कर लेंगे, क्या होगा? -3 + 1/3, है ना, -3 + 1/3 आपका आएगा कितना? -8/3, और जो कि क्या होता है, -2 2/3, 3 2 6 और 2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज आ रही है, लेकिन देखो ना, यहाँ क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, और हमको ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगर वो वैल्यू इक्वल होती है ना, अगर वो -2/3, यहाँ क्वेश्चन में मान लो अगर ये दिया होता कि इट इज इक्वल टू यहाँ नीचे, तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। और अभी जितने तक क्वेश्चन हमने किए उसमें तो यही हो रहा है कि जो क्वेश्चन का साइन है वही ऑप्शन के साथ आ रहा है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है ना, इसीलिए मैं आपसे ये चीज पे जाने को नहीं कह रहा हूँ। अभी तक हम अगर देखें कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमारा जो ऑप्शन आ रहा था और जो क्वेश्चन आ रहा था, दोनों का साइन लगभग सेम ही चल रहा है ना। थोड़ा ये चीज से भी आप पकड़ सकते हो कि डायरेक्टली वही चॉइस देखो, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता, इसलिए मैं ऐसी ट्रिक नहीं बताना चाहता हूँ कि जो हर बार काम ना करे, लेकिन ये वाला आपका करेगा कि आप वैल्यूज पुट करके देख लो, आपको 2 सॉल्व नहीं करने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये तो मेरे को क्वेश्चन क्रिएटर पे हंसी आ रही है कि जब कह रहा है होल नंबर है, तो भैया यहाँ दिया है एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे मतलब क्या है? जब उसमें -1 रखा तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पे वही चीज आ रही है कि देखो 0 से तो शुरू है ही है, तो उसको मतलब मेरे को ये वाला साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 तो है ही इसके सॉल्यूशंस, 0 1 2 3 4 तो सॉल्यूशन है ही, लेकिन मेरे को अब चेक करने के लिए कौन सा बच रहा है? केवल 5, समझ रहे हो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आते हैं, केवल 5 चेक करना बाकी है। अब यहाँ 5 रख के देख लेते हैं, 3 + 4 × 5 कितना हुआ? 23। और लेकिन यहाँ पे ये है 23 < 23, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, इसका मतलब 5 वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0 1 2 3 4, समझ पा रहे हो? और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, यू कैन डू विद इन सेकेंड्स, यू कैन डू विद इन सेकेंड्स, ये आप सेकेंडों में कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ चलो, एक ये क्वेश्चन है और एक आध और है, चलो देख लेते हैं। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, हमारे को दिया है कि 2x - 5, 5x + 4, 25, ठीक है, इज एन इंटीजर। चलो अब हमको देखो, अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो इसका मतलब -2 से 4 तक लगभग हर ऑप्शन में, -2 से 4 तक हर ऑप्शन में, और मेरे को केवल चेक करने वाले कौन से ऑप्शंस होंगे? एक 5 होगा और एक -3, ये दो चेक कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 5 के लिए चेक करता हूँ, 5 के लिए मैं चेक करता हूँ, ठीक है, क्या होगा? 5 5 = 25 और 4 29, लेकिन साइन ये वाला है, इसका मतलब 5 वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब 5 वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 5 वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी खत्म। अब चेक करते हैं -2 के लिए, ठीक है, यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड पुट करें, ये -2 के लिए चेक करूंगा, तो फिर इसमें पुट करके देखूंगा, है ना,
तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका -4 -5, इस साइड आया -9, और अगर इधर तरफ देखें तो कितना आ रहा है, सॉरी मैंने -2 चेक कर दिया, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू चेक -3, है ना, -3 चेक करना है मेरे को। ये हो जाएगा -6 -5, इस तरफ आया -11, और अगर इधर पे देखें तो कितना होगा, -15 +4, यस आई गॉट इट, इट इज -11। तो -11 -11 दोनों तरफ है, इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब -3 हमारे ऑप्शन में आएगा, है ना, -3 -2, ये हमारा आंसर है। समझ पा रहे हो कितना आसान है, ठीक है ना। चलो आगे के दो क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, है ना। ये देखो होल नंबर्स के लिए कह रहा है रिप्लेसमेंट, है ना, पुट करके देख लेंगे ऑप्शन, है ना, ऐसे यहाँ पे भी है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, देखो भाई होल नंबर्स का सेट है, ठीक है, वो हमको सारे होल नंबर्स दिख रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा काम है कि हम यहाँ से उठाएं ऑप्शंस और ऑप्शंस रखते जाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 तो हर क्वेश्चन में, 1 2 हर क्वेश्चन में, 1 2 हर में, हर ऑप्शन में, सॉरी। तो इसका मतलब हमको 1 2 रख के चेक करने नहीं है, 1 2 तो ऑप्शन हो गई। इसका मतलब हम देखो क्रिटिकल वैल्यूज है 0 और 3, ठीक है, तो हम 3 रख के देख लेते हैं। 3 रखा, क्या आएगा, 12 -3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 -2 आपका कितना हो गया, 7, क्या 7 बड़ा है, नहीं भाई 7 तो बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 3 तो नहीं है। अब बात करते हैं 0 की, तो क्या हो जाएगा, 12, और ये हो गया -2, तो -2 भी नहीं बड़ा है, मेरे को क्वेश्चन ही गलत है यार ये। हाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, साइन उल्टा लगा है मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ हम देखें इसमें 1 उठा के देख लें तो 11 और -2, कोई नहीं, है ना, तो ये मेरे ख्याल से शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसमें साइन क्वेश्चन में गलत है, ठीक है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हमको इसमें, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 10 देन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस जो है हमारे पास ये -1 से 2 तो हर कहीं पे है, -1 से 2 हर जगह, -1 से 2 हर जगह। इसका मतलब मेरे को -2 रख के देखना है और 3 रख के देखना है, और उससे मेरे को चॉइसेस पता चल जाएगी कि मेरी चॉइसेस क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें मैं पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ -2, ठीक है,